किस किस को नोटिफिकेशन आया 12 बजे, किस किस ने वीडियो को देखा, किस किस ने नहीं देखा, आप सब के लिए दोबारा लगाते हैं। इवेंट की स्टार्टिंग में होस्ट किया शाहिद ने, शाहिद खान जो मेरा दोस्त है, और साथ में हरजोत जो मेरा कज़न है। तो दोनों ने कसम से मज़ा लगा दिया। हर बंदा वहाँ खुशी से उछल रहा था, चीख रहा था जेसन 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 नेशन। और मैं उस टाइम पे कहाँ था खुद ही देख लो। जेसन, 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 गाइस बाहर एग्जैक्टली बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं अनएक्सपेक्टेडली। वैसे कहीं ना कहीं हिंट था हमें ऐसा होने वाला है और वो हो गया है। तो शाहिद मज़े लगा रहा है वहाँ पे, हरजोत के साथ में पूरा इवेंट होस्ट कर रहा है, मज़े आ गए, एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे है। इतनी सारी हूटिंग, इतनी सारी शाउटिंग हो रही है, रेडी हो रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं यहाँ से भूसा लेके बाहर जाने वाला हूँ। खूब मजा आने वाला है। सो स्टेज पे चढ़ते ही सबसे पहले मैंने जयकारा बुलाया, उसके बाद में सबका थैंक यू किया, साथ ही लोहड़ी की विशेष दी क्योंकि लोहड़ी वाला दिन था। उसके बाद में गए, सबसे पहले सबको मैंने रिमाइंड कराया 2018 की कुछ अच्छी चीज़ें, जिनमें से लद्दाख था। लद्दाख सीरीज़ सबके दिल के बहुत करीब है, मेरे भी बहुत करीब है, तो वही चीज़ हमने चलाई स्क्रीन के ऊपर में। जस्ट आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे रिलीज़ किया अपना 1 मिलियन स्पेशल वीडियो, एंड इतने सारे लोगों के साथ में वो वीडियो देख के ना मज़ा ही अलग आ गया। जबकि वो वीडियो मैंने 10-12 बार पहले देख लिया था, बट उस दिन जो मज़ा आया ना वो पहले कभी नहीं आया। ये देख रहे हो बच्चा बीच में, हाँ हाँ यही वाला क्यूट सा, अरे यही तो हूँ मैं, माँ बाप का पहला बच्चा, तो लाड प्यार में तो कोई कमी ना थी। बचपन से ही पढ़ाई छोड़ के सारे शौक पाल लिए, कभी क्रिकेट खेला तो कभी हॉकी, और बजाया कभी गिटार। कुछ साल लगे तो समझ आया बाइक से ही है मुझे असली प्यार। ये थोड़ा फनी हो गया, मजा नहीं आ रहा यार। वेट, मुझे ऐसा लग रहा है ये अपना स्टाइल नहीं है, तो मुझे इतना मजा नहीं आ रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। सो ये पूरी जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं जसमिंदर सिंह से जेसन बना और जेसन से जेस फिल्म्स। और मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, इतनी इंस्पायरिंग वीडियो थी, बहुत लोगों को बहुत मजा आया, और उसके बाद क्या हूटिंग हुई बॉस। सो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे मैं कैलेंडर लॉन्च करूँगा, जो कि मुझे करना था, बट लोगों को नहीं पता था कि मैं उनको सरप्राइज देने वाला हूँ, सरप्राइज विद माय मर्चेंडाइज लॉन्च।
What's up, lovely people? तो मैंने वहाँ पे लॉन्च करी अपनी मर्चेंडाइज जिसमें टी शर्ट्स हैं, मग्स हैं, की चेन्स हैं, वायरो डायरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 9 या 10 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हो इस लिंक के ऊपर में www.jasonnation.com। सो नेक्स्ट थिंग वॉज डैम क्रेजी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा लाइव ऑन द स्टेज। सो हमने क्या किया था खन्ना जी और मैंने, हमने रात में ना जो गोल्ड प्ले बटन का बॉक्स था उसको खोल के उसके अंदर में लकड़ी के फट्टे डाल दिए थे। और मेरी कोर टीम जो मेरे दोस्त यार थे ना, किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। तो जब हमने अनवील किया वहाँ पे कि अब गोल्ड प्ले बटन को अनबॉक्स करते हैं, तो वहाँ पे ऑन द लाइव स्टेज उसके अंदर में से निकला लकड़ी का फट्टा एंड एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड। लक्कन ये क्या दे दिया भाई, ये क्या है इसके अंदर है गोल्ड प्लेट पतला सा है, फ्रेम करके दिया, फ्रेम करके नहीं है भाई, अरे अंदर होगा, अंदर होगा, निकाल निकाल इसे, क्या बोलो भाई, बोलो ध्यान से, प्यार से, प्यार से, अबे लक्कन दे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हैशटैग बेस्टी हो गई। सो कह सकते हो ऑडियंस एंगेजमेंट वॉज ऑन नेक्स्ट लेवल, सबको बहुत मजा आ रहा था, लोग बहुत चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे, उछल रहे थे, गा रहे थे। तो कह लो कि इतना अच्छा एंगेजमेंट था कि हर बंदा ना एक सिंक में काम कर रहा था वहाँ पे, तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग था। एंड जस्ट आफ्टर दैट हमने लॉन्च किया अपना कैलेंडर 2019। Everyone is excited? Yeah! So, this is the box. So, पहले पीछे आते हैं। यहाँ पे अपना हमने थोड़ी सी वही गणित लिखी है जो आपको पहले समझाई थी कि कैसे मुझे पैशन लगा फोटोग्राफी का, कहाँ से मुझे आइडिया आया कि यार कैलेंडर करना चाहिए, किस टाइप का कैलेंडर चाहेंगे, ये सारी चीजें मैंने लिखी है। बट एक बहुत अच्छी कोट यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत इंस्पायर करती है मुझे, मेरे को उम्मीद है ये कोट आपको भी बहुत इंस्पायर करेगी। So moving ahead, this is the very first picture for January. This is Tramp Time. ये कौन सी है? ये भी unique है। एंड हर बार की तरह कैलेंडर का जो रिस्पॉन्स था अमेजिंग था, सबको बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। जिन्होंने लास्ट ईयर लिए थे कैलेंडर उनको पता होगा कि क्वालिटी मैं मेंटेन करता हूँ, इस बार भी बेहतरीन क्वालिटी का कैलेंडर है। सो गाइस गो गेट योर कैलेंडर्स क्विकली। बस फिर क्या था, हमने काटा केक। सबके साथ में खाया, सेल्फी सेशन स्टार्ट हो गया और जो जो मेरे साथ फोटो खिंचा रहा था उनको मैंने दिए स्टिकर्स। आफ्टर दैट जाते आते सबके लिए एक और सरप्राइज था, मैंने वहां पे अनवील करी अपनी हायाबुसा विच वॉज रैप्ड इन गोल्ड। सो बेसिकली उस ओकेजन के लिए हमने गोल्ड रैप कराया था नीलिमा के ऊपर में। साथ ही एक यूनिक चीज कराई थी, दैट इज लुमिलोर ऑन द काउल, आपने देखा अभी वीडियो के अंदर में। सो सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। कहीं ना कहीं गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इवेंट पूरे इंडिया में कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने मीटअप्स देखे हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये वाले मीटअप ने ना मीटअप्स की डेफिनेशन चेंज कर दी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग टू एंड बहुत एनर्जी थी, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं था कि कहीं पे कुछ लोग डल फील कर रहे हो। रिफ्रेशमेंट्स थी वहाँ पे, सुपर बाइक्स थी, सुपर कार्स थी, बर्नआउट्स लगे, बहुत सारे सरप्राइजेस सबको मिले वहाँ पे। मेरे कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स भी थे तो इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो कह सकते हो एक ही जगह में हर बंदे ने इतनी इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी और ये दिन यादगार बना दिया।
इसी नोट पे गाइस ये वीडियो कर देते हैं क्लोज। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना, कमेंट करना आपको कैसा लगा, और दोस्तों को कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।